वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो व्लॉग है वो सबसे अच्छा और बेहतरीन होने वाला है। तो गाइस आज का व्लॉग जो है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अक्सर आपने फ़ोन पे दुबई तो देखा होगा, लेकिन जो होके आए हैं दुबई से उन्होंने तो अक्सर बार बार देखा होगा, क्योंकि जो घूमने जाता है तो वो रोटो भी जाता है ना कि आसमान भी जाता है। तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। तो जिनने नहीं देखा दुबई के रोड और दुबई, तो वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये देखें और उसके बाद एक और चीज़ दिखाऊंगा हमारी, तो वो भी देखें। तो आज का व्लॉग जो है हमारा बेहतरीन होने वाला है। और कंफ्यूज ना हो, बस व्लॉग देखते रहें और वॉच टाइम पूरे करते रहें। लेट्स गो। तो वैसे यहाँ पे आपको ना रश नज़र आई होगी, ना सफाई। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन से हुई हुई है। और यहाँ पे अगर सफाई नहीं हो ना तो मतलब के जेल हो सकती है एक बंदे को जो सफाई नहीं करे। तो सफाई देखें कितनी अच्छी सी हुई हुई है, क्योंकि अगर सफाई ना हो तो क्या यहाँ हैदराबाद की कोई नई पुल थोड़ी है। तो गाइस आप देख सकते हैं नाइट का टाइम है, कितना साफ और कितना मतलब लाइटिंग देखें ना आप, कितनी सफाई देखें आप, कितनी अच्छी हो रही है। तो गाइस आपने देख लिया होगा, और अब मैं जो हमारे हैदराबाद के रोड हैं वो आप सब देख सकते हैं कि क्या हालत हो रही है रोडों की। मतलब देखें पहले, तो ये देखें आप, तो ये हाल देख सकते हैं आप रोड का। मतलब कितनी गंदगी और कितनी मतलब पीपल को तो कुछ हो रहा ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस देखते हैं रास्ता और गाड़ी निकाल के चले जाते हैं और भाग जाते हैं। अभी दो मिनट सब्र करें, आपने पिछली वीडियो देखी है इससे पहले कैसे गाड़ियाँ जा रही हैं आराम आराम से, मतलब स्लो की। यहाँ पे यार मैनर्स नहीं है ना इधर, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यार मैं क्या बोलूँ इनको, मतलब ना सफाई करते हैं ना कुछ, ऐसे ही गंदगी में चलते हैं। बस उन्हों को क्या परवाह, बस उन्हों को जाना है आना है, काम खत्म, ऐसे ही होना चाहिए। तो गाइस माशाल्लाह से रोड भी देखे ना कितने सफाई से, और मतलब गाड़ियाँ देखिए कितनी चमक रही हैं यार, कितना मतलब कितनी रोशनी। और ये यार एंड हो, मैं सोच रहा हूँ मैं रास्ते पे ही बंगला बना दूँ एक ना। तो अब आपने ये देख लिया होगा, और मैं आपको दुबई की वेजिटेबल मार्केट दिखाता हूँ जो कितनी सफाई और कितनी बेहतरीन बनी हुई है। मतलब ना रश है ना कुछ, बस आराम आराम से पीपल्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और लेके चले जा रहे हैं। तो पहले ये आपने ये वेजिटेबल मार्केट तो देख ली होगी। अब जो हमारी मार्केट है हैदराबाद के शहर की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ।
वो देखें, और मुझे पता है आप देख के ही हैरान हो जाओगे, अबे भाई ये क्या दिखा रहा है। अच्छा तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मतलब आप देखें, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जब तक तो आप देखें, मैं ठंडा पी लेता हूँ। कोई तरीका भी। देख रहे हो ना, ये हालत है। ओ माय गॉड, हटाओ। तो गाइस ये जो था मैंने आपको दिखाया, और आवाम को थोड़ा सोचना चाहिए कि अब जो मैंने आपको मार्केट दिखाई थी, तो अब पाकिस्तान में ऐसा है कि हैदराबाद में हमारे शहर में ऐसा है कि कोई सोचता है ना कि बैठे बैठे ऐसे सोचता है यार, हाँ यार ये करना होगा। हाँ, अब जब सोने का टाइम होता है रात को तो सोचते हैं अबे यार क्या करेंगे करके, जब बाद में करेंगे, अभी टाइम नहीं है, मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी ऐसे ही बोल देते हैं। तो अभी आपको पता है कि डॉलर कितना हो गया है, डॉलर मेरे ख्याल से 10 रुपये गिर गया। तो ये सोचना पड़ेगा अपन को, अगर अपन बाहर मुल्क में जाएंगे और इधर आने का कोई दिल नहीं करेगा, क्योंकि सफाई से हो के हम इधर गंदगी में आए रहे, तो कुछ तो मतलब माइंड फ्रेश नहीं होगा ना। तो ये मतलब जो सफाई, आवाम पीपल सब सही हैं, जो जो उनके पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं वो तो पता चले अपन को। तो आगे अपन मुल्क को सुधारने की कोशिश करें, पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है और बैंकें भरते जा रहे हैं, बस उनको क्या परवाह, वो गाड़ियों में जा रहे हैं, लैंड क्रूजर फॉर्चुनर, बस सब जा रहे हैं, पेट्रोल फ्री, घर फ्री, खाना बस यही, पैसा फ्री। ओके की रिपोर्ट चल रही है, इधर आवाम घसीट रही है रोडों पे। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई चलो, भाई चलो, उनके लिए पेट्रोल महंगा हो रहा है, पहले 150 रुपये के लिए खुश थे पेट्रोल के लिए, अभी 300 रुपये, अब बताओ आप। तो थोड़ा माइंड फ्रेश करना पड़ेगा अपन का, और इस मुल्क को सुधारना पड़ेगा। तो मेरा व्लॉग होता है यहीं ख़त्म, आई होप आपको व्लॉग लगा होगा अच्छा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो के, अल्लाह हाफिज़।